हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आंसर कुमार फंडा यूट्यूब चैनल। आप समस्त स्वागत। आज देखि आज गोटे स्पेशल अपडेट देवाक जाऊँगी। ओके, तो ODSSC OSSSC OPSSC तरफ गोटे स्पेशल जोटा कि अपकमिंग इनफर्मेसन टी। ओके, तो मे बी सिलेबस चेंजेस हो पाए, कौ एग्जाम पैटर्न चेंज हो पाए, तार जो एग्जाम पैटर्न को लेकिन सिलेबस नहीं कि सहित कौ लेवल जॉब रे कौन रही ना इंटरव्यू हम ना नहीं, अपकमिंग जहाँ भी बहुत गुड़े इनफर्मेसन अच्छी सेटा आमर है स्पेशल जो मीटिंग होता तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस तरफ जो आम 12 अगस्त इंपोर्टेंट अपडेट। ओके, तो जो ये लेटर टी कराई तो ये आमर है स्पेशल जो मीटिंग कौन हो देखूँ पूरा डिटेल्स आम जाना है। तो सब्जेक्ट कौन थी ना प्रोसीडिंग रिव्यूज मीटिंग रिक्रूटमेंट जो आमर है ओपीएससी ODSSC OSSSC हेल्ड जो आमर है 8/8/2022 जो आमर है 8 अगस्त एटा हो। तो ये आम कौ जगार कौन होता है, इनवाइटिंग रेफरेंस सब्जेक्ट टू अबव आई एम डायरेक्टेड एनक्लोज जो आमर है रिव्यू मीटिंग ओपीएससी ODSSC OSSSC हेल्ड जो एटा है 5 PM CM ऑफिस रे। ओके, तो इन फेवर ऑफ एटारे आमर है कौन हो डिसीजन जाक सेटा हमें डिटेल्स रे डिस्कशन करिबा। नाउ लेट्स सी। ओके, तो ये आम प्रोसीडिंग ऑफ द रिव्यू मीटिंग ऑन रिक्रूटमेंट ओपीएससी ODSSC OSSSC रे आमर जो किसी तो चलतु वर्तमान आम देखीदे है। तो फर्स्ट पॉइंट आमर कौन देना यहाँ ये जो रिक्रूटमेंट मेड जो कराई डिटेल प्रेजेंटेशन जो आम रिक्रूटमेंट मेड 2022-2023। ओके, तो चैलेंजेस कौन है फर्स्ट है आम जो पैटर्न ऑफ OCS। ओके, तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन पे मैंने जो मैंने OS प्रिपेयर करते ओडिशा सिविल सर्विस में जो मैंने प्रिपेयर करते मेड इन द लाइन ऑफ द पैटर्न फॉलोड बाय UPSC। ओके, तो ये वर्तमान पूरा चेंज कर दिया जाए OPSC जो पैटर्न टा को चेंज कराव जोटा कि स्पेशली ओडिशा सिविल सर्विस। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ UPSC रिलेटेड आई थिंक जो आम UPSC GS जो 250 जो रोच से टाइप्र पैटर्न हो पाए कहीं मेंशन कराई है ओपीएससी सेल सबमिट रिलेवेंट रूल्स जोटा आमर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स रिक्वायर्ड फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट कर पाने तो ये 16/8 भितर जो अमेंडमेंट कर GAPG नेसेसरी जो अमेंडमेंट अनुसार OCS जो आम 30 सेप्टेम्बर ये जो लागू हम तो ये आक्शन के 30 सेप्टेम्बर 2022 आक्शन हम OPSC जो आम चेंजेस कौन आसो। ओके, तो यहाँ जो आम स्पेशल इंस्ट्रक्टर मैंने इंस्ट्रक्शन दिखाई जो ये OPSC जो आम OCS जो पैटर्नटा सब UPSC पैटर्न में रहा। ओके, तो धरिकी चल वर्तमान पैटर्न चेंज हे आई थिंक सिलेबस रे ते किछि फरक पड़े कहीं सिलेबस आज इट इज सेम रोचे आउ किछि जदि मे बी एटि ऑप्शनल भी मे बी कटि भी पारे कटि न भी पारे। तो जदि मन कर सपोज UPSC पूरा फुल पैटर्न को जदि फॉलो करा जाए देन चांसेस रही जोटा कि आम गोटे ऑप्शनल कटे कहीं UPSC गोटे ऑप्शनल रोच आउ ता सहित 250 जो पैटर्न रोचे तो से पैटर्न जदि से रखिए देन रहिबो। तो बहुत जल्दी यार जो अपडेट आसीजी है 16 तारीख भितर मैंने ऑलरेडी सब रेडी होगी अच्छी बट से पब्लीश करेंगे 30 सेप्टेम्बर जो यहाँ वाला लागू करा जीवो, जो इफेक्ट हम है कार्यकारी हम ता सहित OPSC तरफ रु आउ कौन दिखाई कनसल्ट दटा है यहाँ आराम देख OPSC हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ यहाँ दिखाई 5 इयर्स जो इंटीग्रेटेड दिया है यहाँ मुझ सब डिटेल्स रे डिस्कशन करूँ मुझ सर्ट्रे कहीदे ता सहित आम जो OPSC सबमिट जो प्रपोजाल अमेंडमेंट जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन जो रही ए रूल्स अनुसार तो ESR काडर तो ESR काडर रिलेटेड मध्य डिस्कशन हम जोटा कि नेसेसरी अमेंडमेंट ये रेगुलेशन अनुसार। ओके, तो यहाँ आम नेक्स्ट जो आम पेंशन ओरिएंटेड जो आम रोच तो OPSC जो आम देखने पेंशन ऑफ जो OPSC जो चेयरमैन मेंबर्स मानक जो रोच पेंशन तो यहाँ मैं 15 अक्टोबर रु यहाँ र नेक्स्ट आम 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर आउ ए दुटा पोस्ट जो आम रही तो यहाँ पर भी देखीद सब जाक ये अपकमिंग हबार अच्छे है सब जाक डिस्कसन है। नेक्स्ट अन ऑल कमिशन जो आम एटी आउ गए स्पेशल जो रूल्स हाबाक जा 3 कमिशन जो OPSC ODSSC OSSSC सेल सबमिट रिपोर्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ मेन इन पोजिशन अफ वैकेंसी डिटेल्स रेस्पेक्टिव कमिशन एंड प्रपोजाल फिलिंग अफ दिस पोस्ट। ओके, तो यहाँ सब जाक कार्डर अनुसार यहाँ जो 16/8 सुधा एम को सब सबमिट करने को पड़ा जो ODSSC OSSSC OPSC। ओके, सहित ओडिशा स्टाफ जो आम एटा OSS काडर जो आम कमिशन अनुसार क्रिएटेड जो आम कराई अकॉर्डिंगली जो जमी क्रिएट कराई तास GAPG जो आम होम डिपार्टमेंट तरफ यू कर रिविजन OSS सब्सिक्वेंट काडर रूल्स अनुसार
तो जो थ्री कमिशन जो पोस्टिंग दब तो से इनसेंटिव अनुसार से दिखाई ओपीएससी ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी तरफ है। नेक्स्ट वन इज आमर है सेभेन्थ्रे आमर कौन दिखाई एटा यूनिवर्सिटी रिलेटेड ओके तो कॉलेज यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ एटा 10 days फ्री छाड़ छाड़ यहाँ पढ़ी दि मुझे पूरा यहाँ दरकार मुझा जाक डिस्कसन करदे तो ओपीएससी क्वार्टरली आठ गोटे आम क्या वर्कस डिपार्टमेंट सेल रिव्यू प्रोग्रेस ओके तो यहाँ गोटे नुआ कराए जो आनेक्स बिल्डिंग ओपीएससी क्वार्टरली दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विदिन 18 months ओके तो ये गोटे आम प्रोजेक्ट कर क्वार्टरली यहाँ तो 18 months भितर कम्प्लीट हाँ दरकार ओके तो यहाँ ओपीएससी एंड वर्कस डिपार्टमेंट तरफ तो निहाती नेक्स्ट रू जो आम एग्जाम बहुत फास्ट हम पाने ओके तार टू वैकेंट पोस्ट जो रैंक डेप्यूटी सेक्रेटरी तापर है दिस इज अंडर सेक्रेटरी ओएस जो आम रोज कार्डर तो यहाँ यहाँ 10 तारीख गोटे आक्शन हम फिलअप हाँपी है 10-8 तो दिस इज अलरेडी यहाँ हो जाए तो फाइनेंशियल पावर ऑफ चेयरमैन चेयरमैन रे विषय एत किसी मुझे कहबी कंडक्ट छाड़ नेक्स्ट आम जो रिटायरमेंट ऑफ छाड़ एटा गवर्नमेंट सेल भी पोस्ट अगेंस्ट द वैकेंट जो प्राइवेट छाड़ ओके यहाँ देखीद नेक्स्ट आमर जो है द प्रपोजाल अफ ओ डबल एस सी रिगार्डिंग द कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेसन रूल्स ओके जो आमर है ये जो एग्जाम जो करवा जाऊँगी तो ये आम भेटर जो आम प्लेस बिफोर द कैबिनेट फॉर अप्रूवल 30 September यहाँ भितर तार जो ईटा हो नेक्स्ट माने बहुत गुड़े जिनस पिला माने कहीं ना देखो ये वर्तमान बहुत गवर्नमेंट बहुत सीरीयसली किसी आक्शन ने जाऊँगी तार जो प्लान स्ट्राटेजी कहले अत्युक्ति हम ना कहीं अपकमिंग जो फिलअप होगाक जाऊँगी जाक सब रिलेटेड दिखाई ताय सहित आम जो रूल्स रिगार्डिंग द डिस्पर्सन ऑफ इंटरव्यू रिलेटेड जो दिखाई ग्रुप बी पोस्ट है लेवल 9 जो रोचे ए ओरिएंटेड मध्य दिखाई है तापर है ओ डबल एस सी तरफ आउ कौन रही देख तो स्विच ओवर द रिविलिंग सॉरी प्रिविलिंग मेथड ऑफ रिक्रुटमेंट सीबीआर कंप्यूटर बेस्ड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन ओएमआर मॉडल वेयर पॉसिबल एक्शंस ओके तो नेक्स्ट रू आम जो ट्राए करेंगे प्राय तो एवं बर्तमान से अनाउंस करूँ तो यार जो रिजल्ट देवे है ओ डबल एस सी जाक बहुत गुड़े जिनस तो ये किसी सेटा करवा किसी दरकार ना से सब मिल जाए स्ट्रीम लाइन फिजिकाल एफिशिएंसी टेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट ऑफ फिजिकल टेस्ट कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट एटा आमर जो दिखाई इनफॉरमेशन है ना। नेक्स्ट वन इज आउ कौन रही देख तो सबमिट द प्रपोजाल अफ द एनहांसमेंट द फाइनेंशियल पावर अफ जो आम ओ ट्रिपल एस सी कंडक्ट एग्जामिनेसन जो एग्जामिनेसन कंडक्ट से रिलेटेड यहाँ दिखाई 17 आमर कौन रही देख ओ ट्रिपल एस सी आसी सेल सबमिट द प्रपोजाल पोस्टिंग अफ टू आडिशनाल सेक्रेटरी ये दुटा रे पोस्ट आडिशनाल सेक्रेटरी आउ जॉइंट सेक्रेटरी वैकेंट पोस्ट अच्छी तो यहाँ बहुत जल्दी फिल कर नेक्स्ट आमर जो प्रपोजाल अफ रिक्रुटमेंट आमेंडमेंट जो कराए मिनिस्ट्रियाल जो आम सर्विसेस मेथड अफ रिक्रुटमेंट एंड कंडीशन अफ जूनियर आसीस्टांट सीनियर आसीस्टांट सेक्शन अफिसर्स जो यहाँ रही तो आप्रोप्रिएट द सेल यहाँ जो अनुसार 2019 जो रूल्स अनुसार ये आमेंड करके यहाँ कर 15-10 ओके नेक्स्ट आमर है 19 देख बहुत गुड ऑब्जेक्ट रही 19 कौन स्ट्रेंथ ऑफ ओएस कार्डर तो ओएस कार्डर रे भी इनक्रीज कर पाला ओएस रो कार्डर ये इनक्रीज कर पोस्ट ओके कंसोल देखी देखी दिए रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एटा अनुसार ये ओएस रो कार्डर टी इनक्रीज कर सहित आउ गोटे स्पेशल यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपडेट टी है ना कौन कह देखु रिव्यू मीटिंग रहा यहाँ सब महत्वपूर्ण अपडेट है ना ना ओपीएससी ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी जो सेल भी कंडक्टेड अंडर जो आमर है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी वन्स ए मंथ प्रत्येक मस रहा जो रिव्यू मीटिंग टी हेला चेयरमैन आउ जो आमर है चीफ सेक्रेटरी मध्य जो स्पेशल मीटिंग रहा ये मीटिंग रे कौन डिस्कसन हम ना ये मीटिंग रे केते एग्जाम जाको केते कंडक्ट करागला तार जो प्रोग्रेस केते आसिला माने जो ओरिएंटेड सब जाक डिटेल्स डिस्कसन से माने करिवे ए माने जो प्रोसेस माध्यम रे ए मीटिंग रे हला जहाँ फल कौन ना दिस इज एग्जाम प्रोसेस को फास्टेस्ट कर पारे केमी बहुत जल्दी रिक्रुटमेंट को फुलफिल कर पारे से प्रोसेस को यहाँ कर सहित आउ गए कौन रिव्यू आउ गए मीटिंग रहा सर टेकन सीएमओ आम चीफ मिनिस्टर ऑफिस
जोटा रहा थ्री मंथ गोटे गोटे मीटिंग रो देख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कहीं तुम एग्जाम प्रोसेस को फास्टेस्ट करने दिज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वे है कहीं जदि चेयरमैन आज चीफ सेक्रेटरी भितर जब सब मीट हे ना ओब्वियसली बुझेगा ना चेयरमैन मानक ओब्वियसली ओडब्ल्यूसी ओट्रिपल्सी ओपीएससी एम को प्रेसर पड़ब है बुझेगा ना नहीं तो जेहतु प्रेसर पड़ो मैंने ओब्वियसली जो आम एग्जाम को फास्ट करेंगे रिजल्ट फास्ट करेंगे बहुत जल्दी पब्लीश करेंगे बहुत जल्दी समस्ते चाकरी ओके तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इनफर्मेसन थी सहित आज जब किसी जानवाक चाहते चैनल को लाइक सेयार एंड सब्सक्राइब थैंक यू बाय हैव ए नाइस डे।